हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक चला हुआ जनरल एंट्री, और आज का टॉपिक भी हमारा जनरल एंट्री है, और ये जनरल एंट्री पार्ट 11 है। यानी इससे पहले मैंने वीडियो बन चुकी है। यदि आपने इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके जानकारी ले सकते हैं। और आज की जो एंट्री है उसका पर्टिकुलर कोई नाम तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहचानने के लिए हमने ना उसको नाम दिया हुआ लाइव स्टोक। अब लाइव स्टॉक इसलिए रखा हुआ क्योंकि इसमें लाइव स्टॉक की बात हो रही है, इसलिए पहचानने के लिए सर। और इसकी जो एंट्री है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, या यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो, आप यहाँ से देख के पहले इसको सोल्व करें या डिस्क्रिप्शन से देख के पहले सोल्व करें। सोल्व होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं सोल्व होती है तो आप उस वीडियो को देखें, हमारे इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो इसमें है हमारी सबसे पहले एंट्री परचेज एंड आयरन सेल। देखो इसके अंदर जो एंट्री आएंगी कुछ ऐसी आएंगी जो अब तक नहीं आई है, मतलब थोड़ा डिफरेंस। अब तक तो क्या था, सेल परचेज की बात हो रही थी, सामान खरीदा सामान बेच दिया, या बिल्डिंग खरीदी बिल्डिंग दिया राम मोहन को या बैंक को, कुछ ऐसे। लेकिन अब डिफरेंस नाम आ जाएंगे उनको, आप वो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या अलग अलग एंट्रियाँ होती हैं। जैसे यहाँ परचेज एंड आयरन सेल फॉर बिजनेस 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आयरन सेफ क्या होता है, देखो आयरन सेफ होता है आपका ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब ऑफिस ऑफिस में जो यूज होते हैं ना, जैसे आपके टाइपराइटर्स हो गया, आपके एलमीरा टाइप हो गया, शोकेस टाइप हो गया, तो ऐसा कुछ जो इतने ना, नहीं सॉरी शोकेस नहीं आएगा, आपका कंप्यूटर्स हो गए, वो ऑफिस इक्विपमेंट में आते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी एंट्री बनेगी, पहली ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट कितने का है, 1 लाख रुपए का। आप लोगों ने खरीदा है इसको तो आप 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड कैरेज ऑन इट 200। यानी फाइलिंग कैबिनेट खरीद रहे हो आप, यानी ये भी ऑफिस इक्विपमेंट में ही आता है लोगों का। और या आप इसको एसेट्स मान सकते हो, देखो ऑफिस में जो भी आपकी मशीनरी इक्विपमेंट है वो आपकी एसेट्स में ही काउंट होगी। और यहाँ पर जो कैरेज लगा रहे हो आप वो एडिशनल नहीं लगेगा, इसके अंदर ही लगेगा। सिंपल यही वाली एंट्री बनेगी इसकी, ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, आई थिंक बाय चेक तो नहीं, नहीं ऊपर वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये वाली आपकी बाय चेक है, तो इसमें आप बाय बैंक लिखें और सॉरी टू बैंक लिखें। ऊपर वाली एंट्री में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें क्या है, इसमें चेक है और इसमें कैश है। तो इसमें क्या आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अबाउट 1 लाख टू बैंक, और इसमें क्या आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 40,000 रुपए के हैं, 200 आप उस पर कैरेज लगा रहे हो तो कितना बन जाएगा आपका, इतना ही बनेगा ना 40,000। ठीक है, और टू कैश क्रेडिट कितना हुआ 40,000, 40,000 सॉरी 200, 40,200 यहाँ 40,200 यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राधा, मतलब हाँ राधा किशन कंपनी, 80,000 ऑन क्रेडिट, लिखा गया ऑन क्रेडिट, या ना भी लिखो तो भी पता लगता होना चाहिए आपको। यदि कैश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ परचेज करने की बात हो रही है या सेल करने की बात हो रही है, तो वो चीज उधार की मानी जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो ये मैंने बताया था, अभी जो ऑफिस में यूज होते हैं आपके, जैसे टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई और फाइलिंग कैबिनेट हो गया, या आपने आयरन से एलमीरा टाइप कुछ खरीदा है, तो ये आपके ऑफिस इक्विपमेंट में काम करेंगे। तो ये भी सेम बनेगा, ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू, अब ये देख रहे कैश तो नहीं है, नहीं, पहली बात तो 80,000 रुपये आपके कंप्यूटर खरीदा आपने, वो भी राधा किशन से खरीदा है, मतलब राधा का नाम आएगा, राधा राधा कृष्ण। ठीक है, क्रेडिट 80,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज एंड इलेक्ट्रिक फैन। देखो इलेक्ट्रिक फैन जो है वो एसेट्स है आप लोगों की, लेकिन वो ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है,
आप उसको ऑफिस के लिए नहीं यूज करते। आप देखो कंप्यूटर तो हम ऑफिस में यूज करते हैं आप, या फाइलिंग कैबिनेट। अब फैन तो देखो कहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ऑफिस के लिए यूज होता है। लेकिन जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे संबंधित कोई, और ट्यूबलाइट्स वगैरह वगैरह होगी, तो ये चीज फिक्चर्स में आती है। इनकी कैटेगरी को क्या बनाया गया है, फिक्स्चर्स अकाउंट डेबिट, यानी फिक्स IS फिक्स्चर अकाउंट डेबिट। कितने का पंखा था, 20,000 रुपये का, 20,000। 20,000 टू कैश में खरीदा आपने? हाँ कैश में, कैश क्रेडिट 20,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस यूज, 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए थोड़ा अजीब सी एंट्री है, इसमें क्या है, घोड़ा खरीद रहे हैं, वहां हॉर्स यानी घोड़ा। कौन सी एंट्री बनेगी, शायद छठी बनेगी। तो इसमें 1.5 लाख रुपए का घोड़ा खरीद रहे, वो भी बिजनेस यूज के लिए। देखो वर्तमान समय में आपको कोई ऐसी एंट्री मुश्किल भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर मिल भी तो क्या होगा। देखो पुराने टाइम में होता कि बिजनेस जब घोड़ा गाड़ी हुआ करती है तब खरीदते होंगे, वर्तमान समय में तो बिजनेस यूज के लिए चलो खरीदते ही हो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो एसेट्स, क्या घोड़ा एसेट्स है, एसेट्स भी है, लेकिन उसको आप कितने उम्र तक रख सकते हो, मतलब आप उसकी कोई लॉन्ग लाइफ तो है नहीं, कभी ना कभी तो देखो उसका डेड होना है, एक्सपायर होना है। और तो इसमें एसेट्स कौन सी आती है कौन सी नहीं आती, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसकी कैटेगरी क्या है, देखो आप घोड़ा अकाउंट नहीं लिख सकते हो आप, या कोई सेल परचेज ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो, या ना मशीनरी है ये घोड़ा आपकी, और मतलब क्या लिखेंगे। इसकी अपनी एक कैटेगरी है जिसको हम लाइव स्टोर बोलते हैं, इसी के नाम से एंट्री को रखा गया था, यानी लाइव स्टॉक, यानी जो घोड़ा होता है या जीवित जो वस्तु होती है वो लाइव स्टॉक के अंदर आता है आपका, स्टॉक डेबिट। और समथिंग आपने 1.5 लाख का खरीदा है इसको, और वो भी बैंक से, टू चेक दिया आपने तो बैंक से इसकी पेमेंट हुई है, तो 1.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज पोस्ट कार्ड 250 एनवेलप 500 रुपये एंड स्टैम्प्स 1,000। यानी ये क्या बात हो रही है, यहाँ पर देखो डाक घर से संबंधित जितने भी आपके कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे एनवलप हो गया, या पोस्ट कार्ड हो गया, या कोई स्टैम्प जो पोस्ट कार्ड के ऊपर लगाते हैं, एनवलप के ऊपर लगाते हैं, उनकी बात हो रही है। यानी डाक घर यानी पोस्ट पोस्टिंग से संबंधित कोई भी आप चीज खरीदते हो तो उसे पोस्टेज में बोला जाता है। इसकी एक कैटेगरी जैसे स्टेशनरी होता है ना, ठीक उसी प्रकार इसकी जो कैटेगरी है वो पोस्टेज बनाई गई, पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। अब जितने जितने का आपने खरीदे होगा सबको टोटल करके, तो सबका टोटल अगर आप करते हो कितना है, 250, 500 यानी यानी 1,500 और 1,750 बनेगा मेरे हिसाब से। 1,750 अकाउंट डेबिट और टू कैश में खरीदा हमने, कैश क्रेडिट 1,750। नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफिस स्टेशनरी 4,000, यानी स्टेशनरी खरीद रहे हो आप ऑफिस के लिए 4,000 रुपए की, तो स्टेशनरी का ही खाता बनेगा आपका, स्टेशनरी, स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी बनेगी स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना, 4,000 और टू कैश क्रेडिट 4,000, ये आपकी स्टेशनरी की एंट्री बन गई। नेक्स्ट है आपके
अगेन है गिव एट चैरिटी, यानी चैरिटी में आप दे रहे हो, कैश दिया आपने 2000 पे और गुड्स दिया है 4000 पे, तो यानी चैरिटी में जो भी अमाउंट जाती है, सॉरी आप दान में कोई भी चीज देते हो तो चैरिटी में काउंट होती है। तो यहाँ पर सिंपल सेंट्री बनेगी आपको, पहले हमने बेसिक टर्मिंग बताई थी, बात चैरिटी अकाउंट डेबिट इनको टोटल कर लेंगे कितना है, 2 और 4 6 हो गए टोटल, 6000 और 2 2। देखो अब जो कैश दिया आपने, कैश कैश क्रेडिट 2000 दिया है, और जो 4000 रुपए का दिया वो परचेज दिया आपने, क्या दिया है परचेज क्रेडिट 4000, तो ऐसे इसकी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दसवीं, द हॉर्स बोट ऑन 6 मार्च डाइड, यानी जो 6 मार्च को आपने घोड़ा खरीदा था वो मर चुका है, इट्स क्रैसिस वाज सोल्ड ऑन 10,000, यानी उसकी जो बॉडी थी डेड बॉडी वो 10,000 रुपए की बिकी है, तो इसकी एंट्री कैसे बनी? ध्यान से सुनो कि घोड़ा जो खरीदा था आपने 6 अप्रैल को नहीं मार्च को, वो मर चुका है और उसकी जो क्रैसिस यानी बॉडी थी जो वो 10,000 की बिकी है, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं अकाउंट से, आ रहे हैं अलग अलग जो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है आगे पैसे कहां से आए पैसे, पहले बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने 1.5 लाख रुपए का घोड़ा खरीदा था 1,40,000 रुपए कहां जाएंगे, डेप्रिसिएशन तो है नहीं है कि डेप्रिसिएशन दिखा दोगे आप, तो इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का खाता होता अपनाया डेबिट 1,40,000 और 2 लाइव स्टॉक क्रेडिट कितना 1.5 लाख, 1,50,000 कितने का ही था ना घोड़ा। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 1 लाख एंड पेड मनी इनटू बिजनेस, आपने घर का फर्नीचर बेच दिया है, ठीक है, और वो पैसे आपने व्यापार में लगा दिए। कई बच्चे तो ऐसे एंट्री कर देंगे कि सामान बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट या सेल अकाउंट। देखो उसने घर का फर्नीचर बेचा है, घर की वो जो मर्जी बेचे या जो मर्जी खरीदे, देखो व्यापार से यदि वो खरीद रहा है तो ड्रॉइंग में अकाउंट हो जाता है, लेकिन वो बेच रहा है तो उसका कोई पैसा व्यापार में इंक्लूड नहीं होता। हाँ यदि वो पैसा लगा रहा है कोई चीज बेच गया जैसे मर्जी, यानी व्यापार में जो पैसा आ रहा है ना आप उस चीज की एंट्री कर सकते हो, वो पैसा कहां से आया उस चीज की एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर आपके पास पैसे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया आ रहा है आपके पास, कहां से आया पैसे, तो यहां पर कैपिटल है, ये कैपिटल लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हैं कैपिटल लगा रहे हैं क्रेडिट 1,00,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेड द पेड टू लैंडलॉर्ड, अच्छा रेंट पे पेड रेंट बाय चेक 1,20,000 रुपए फॉर रेंट, यानी रेंट पे कर एंड 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपीड बाय यूज बाय द प्रोप्राइटर रेजिडेंस। देखो मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं, ये जो आपको 1,00,000 किराया मिल रहा है, 1,20,000 रुपए आप जो किराया दे रहे हो ये पूरी बिल्डिंग का है, लेकिन इसमें से 1/3 जो पार्ट है वो प्रोप्राइटर अपने निजी प्रयोग के लिए यूज करता है, यानी आप यानी जो वन पार्ट तो आपका वो यूज करता है प्रोप्राइटर, और 3 पार्ट जो होते हैं वो उसमें यूज होते हैं, यानी 1/3 आपका, तो 1/3 कितना बनेगा इसका 1,00,000 का, 1,00,000 का अगर 1/3 बनाते हो यानी 1,20,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 से 12 और यानी 4 आएगा 40,000 रुपए, तो 40,000 मतलब 40,000 जो रेंट पे कर रहे हैं ना, तो वो ओनर के रेजिडेंस का एक तरह से पे कर रहे हैं, व्यापार का तो सिर्फ 80,000 ही पे हो रहा है, मतलब जो तीसरा हिस्सा है ना वो
मतलब व्यापार के, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया आपको, व्यापार के तीन हिस्से कर रखे हैं, एक हिस्से में बिजनेस मैन रहता है, दो हिस्से में आपका वो रहते हैं क्या बोलते हैं बिजनेस होता है। तो यहां पर एंट्री बनेगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। देखो रेंट कितना मानने जाएगा, वन बाय थ्री करोगे, सॉरी एक बार 1,20,000 को 3 से डिवाइड करके 40,000 आएगा, 40,000 1,20,000 में से माइनस करके 80,000 आएगा, तो 80,000 क्या होगा, 80,000 आपका रेंट माना जाएगा और 40,000 क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग डेबिट 40,000 और टू कैश चेक तो नहीं है, बाई चेक तो बैंक आएगा, बैंक बैंक क्रेडिट 1,20,000, ठीक है। तो हाँ होगी, ये थी आपकी लास्ट एंट्री और ये एंट्री हमने लाइफ स्टॉक का नाम इसलिए रखा था इसमें, क्योंकि एक अजीब सी एंट्री आ रही थी लाइफ स्टॉक की, तो उसके नाम पे हमने इसको रख दिया, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका। पहले आप डिस्क्रिप्शन से इस एंट्री को सोल्व करें, सोल्व करता होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको यहाँ से आप देख के सोल्व कर सकते।